वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है, जिसको कैसा गोला है पहले देखिए, ठोस अचालक गोला, ठीक है, जिसको आवेश कितना दिया है, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम आवेश दिया जाता है। तो गोले के केंद्र से आपको 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, दिया है, क्या क्या आपको दिया है। न्यूमेरिकल जब भी हल करते हैं पहले क्या लिखते हैं, दिया है आपको एक तो दे रखा है त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻²⁺ मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻¹ मीटर। अरे बोलो मैं क्या, 10⁻¹ है, प्लस का एक और माइनस का दो तो माइनस का एक बच जाए। और क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है कितना है, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। देखिए गोला जो है वो कैसा है कि त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, अचालक गोला है तो आवेश कहाँ रहेगा, अंदर की ओर रहेगा, अंदर की ओर रहेगा तो 14 सेंटीमीटर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर कहाँ होगा, 14 सेंटीमीटर दूर तो बाहर होगा, और 10 सेंटीमीटर कहाँ होगा, इसके पृष्ठ पर, और 4 सेंटीमीटर गोले के अंदर। इसका मतलब तीन बिंदुओं पे हमें विभव ज्ञात करना है। पहला है 14 सेंटीमीटर दूरी पर, 14 सेंटीमीटर दूरी पर विभव, तो ये जो विभव है वो कहाँ है, आउटसाइड है, तो वी आउट अपन ने ज्ञात कर लिया था, क्या था वी आउट का मान, के क्यू बटे आर, अरे ज्ञात कर लिया था, तो के का मान रख दीजिए, तो हम जानते हैं के का मान होता है 9 × 10⁻¹। आवेश का मान आपको दे रखा है कितना है, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, और दूरी आपको दे रखी 14 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻², ठीक है। आजी इसको कैलकुलेट करना है तो पहले पावर्स को कैलकुलेट कर लो, पावर्स क्या आ जाएंगे, 10⁻¹⁹ और 9 है तो कितने बचे, माइनस के 10, ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 में से 2 और कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10 में से कम हो गए तो 10⁻¹⁸, तो पावर तो आ गई 10⁻¹⁸। 9 को 32 3.2 से गुणा कर लो, ठीक है, और फिर 14 का भाग कर लो, तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास, देखो 3.2 को गुणा कर लेते हैं 9 से, तो 9 × 18 एक 9 × 27 और 28, ये आ गया 28.8, ठीक है। तो इसको भी आउट का जो मान है वो आ जाएगा 28.8 × 14 × 10⁻¹⁸। चाहो तो पॉइंट को रिमूव कर लो, पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट रिमूव होगा तो एक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ना हो जाएगी, ठीक है। इसको इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 8, 2 × 8 = 8, 7 का भाग ले लो तो बी आउट क्या जाएगा, 7 × 2 = 14, फिर पॉइंट 7 × 35, 7 × 42, 7 × 35, ठीक है, तो 2.9 × 10⁻¹⁹ ये आ जाएगा वोल्ट, ये इस तरह से इसको हल करेंगे। अच्छा 10 सेंटीमीटर दूरी पे ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर दूरी के लिए देखो कहाँ आएगा, 10 सेंटीमीटर दूरी के लिए तो 10 सेंटीमीटर दूरी के लिए सेकंड है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी का मतलब पृष्ठ पर होगा, पृष्ठ का सूत्र क्या है, के क्यू बटे कैपिटल आर, तो के का मान वो 9 × 10⁻¹⁹, क्यू का मान आपको दे रखा है 3.2 × 10⁻¹⁹ और आर का मान 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो 10 × 10⁻¹⁹10 सेंटीमीटर को, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻¹⁹, तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻¹⁹, हिसाब करो तो ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9 × 10 = 19 में से 10 गए तो क्या होंगे बेटा, 19 में से 10 जाएंगे तो 9 बचेंगे 10⁻¹⁹ और गुणा, इसको इससे गुणा किए तो 9 × 18 = 9 × 27 = 28, ये आ गया 28.8 × 10⁻¹⁹ वोल्ट, ये आ गया कहा, गोले के पृष्ठ पर। इसका चित्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका चित्र ये बन जाएगा गोले के पृष्ठ पर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और ये कितना 10 सेंटीमीटर।
और ये भी 10 सेंटीमीटर। और गोला कैसा है, कुछ अलग है तो आवेश कहाँ होगा, अंदर, ठीक है। तीसरा है 4 सेंटीमीटर दूरी पर, और 4 सेंटीमीटर दूरी के लिए देखो अंदर स्थित बिंदु पर सूत्र क्या था, ध्यान है क्या। तीसरा है, तीसरा पॉइंट इसका, 4 सेंटीमीटर दूरी पर विभव अंदर स्थित बिंदु पर भी इन बराबर आया था के क्यू, और यहाँ आया था 3R² - R² / 2R³। याद है कि अंदर स्थित बिंदु पर अभी ज्ञात किया था इससे पहले वाले टॉपिक में, तो मान रखो सारे, तो के का मान 9 × 10⁻⁹, क्यू का मान ये आपके पास है 3.2 × 10⁻⁹-19, 3 × R², पृष्ठ का मान कितना है, पृष्ठ है 10, कैपिटल आर है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 10⁻²-1² - R² आर कितना है, बाहर स्थित सॉरी अंदर स्थित बिंदु में कितना लिया है 4 सेंटीमीटर में याद कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻²⁻² में बदलेंगे तो, और बटे 2 × 10⁻²⁻¹³, ठीक है। कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करना है, स्क्वायर करना है, तो ध्यान रहे स्क्वायर में थोड़ा सा बता दूं, 10⁻²⁻² कैसे करेंगे, इसको हम देख सकते हैं 10⁻²⁻², और घाते हमेशा जोड़ती है कितने रहे 10⁻⁶, ठीक है। इस तरह से इसका स्क्वायर कर लेना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना आ जाएगी, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, सिंपल कैलकुलेशन है, बस सूत्र याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, थैंक यू।